नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसी अमेजिंग हेयर जेल की जिसे हम घर में ही 15-20 रुपए में आसानी से बना सकते हैं और ये आपके बालों को इतना स्मूथ बना देता है, इतना शाइन उनमें लाता है कि आप भी इसको अप्लाई किया है कि मेरे बाल इतने ज्यादा स्मूथ और इतने ज्यादा शाइनी हो जाते हैं। मैंने खुद हेयर कर ली है और मैंने बहुत सारी कंपनियों के हेयर सीरम्स यूज किए हैं और मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी यूज करे, बहुत सारे कंडीशनर, बहुत सारे शैम्पूज। वो टीवी में एड्स में आपको दिखाते हैं कि वाओ, इसको लगाते ही बस आपके बाल एकदम फ्लो करने लगेंगे, पर रियल में मैंने यूज किया और मेरे बाल वैसे ही ड्राई थे और मुझे लगता था कि ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरे बालों को रियली में सॉफ्ट एंड शाइनी बना सके। बट दिस जेल रेसिपी, जब मैंने इसे यूज किया तो लिटरली इस हैड कम्प्लीटली चेंज द वे माई हेयर लुक्स। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो और जानते हैं कि कैसे हम इस रेसिपी को बना सकते हैं अपने घर में। तो इसके लिए आपको चाहिए अलसी। ये अलसी आप जानते हैं जिसे हम फ्लैक्स सीड कहते हैं, आपको ये चाहिए, ठीक है। आपको एलोवेरा जेल चाहिए, आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं, यहाँ मैं पतंजलि का यूज कर रही हूँ। और आपको कोई भी आमंड ऑयल या तेल चाहिए। अब मैंने इस अलसी को रात भर सोक कर दिया है, अब हम इसे गैस में बॉईल करेंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, अब ये बॉईल हो रहा है, अब इसे बॉईल हो देने दीजिए और जैसे बॉईल होता जाएगा इस तरह से ठीक होता जाएगा। अब हम इसको कुछ देर रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद फिर हम अपने इसका जेल बनाएंगे। जब ये जेल गर्म रहे तभी आप इसे छान लीजिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाता है तो इसे छानने में दिक्कत आती है। आप मलमल के कपड़े का या छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सकते हैं मेरा ये जेल रेडी है। इस जेल को मैं कई सारी रेसिपीज में यूज करती हूँ, यहाँ मैंने थोड़ा एक अलग से बोल में ले लिया है। अब हम इसमें एलोवेरा जेल यूज करेंगे, हम इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करेंगे। यहाँ मैं आमंड हेयर ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी तेल का इस्तेमाल करते हैं सकते हैं। आमंड ऑयल आपके बालों की हेयर ग्रोथ में काफ़ी हेल्प कर सकता है। आप तिल का तेल या नारियल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों यहाँ मेरा जेल है जिसे मैंने रेडी किया हुआ है। आप इसे दो तरीके से इस जेल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपने बालों को अच्छे से शैम्पू कर दें और इस जेल को लगाकर 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दें और उसके बाद आप बालों को अच्छे से वॉश कर दें। अगर आप इस जेल को लगाकर अपने बालों को वॉश कर लेंगे तो आपको किसी कंडीशनर या सीरम को लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बाल इतने ज्यादा चमकदार और शाइनी होंगे। और दूसरा तरीका यह है कि हम जनरली आजकल हीट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेरे खुद के बाल कर्ली हैं तो मैं हेयर स्ट्रेटनर का यूज करती हूँ अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए। तो हम हीट प्रोटेक्टेंट का यूज करते हैं और ये जो मार्केट में आने वाले हीट प्रोटेक्टेंट्स हैं ये काफी कॉस्टली होते हैं और ये आपके बालों को ड्राई भी कर देते हैं कुछ समय बाद। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक दिन इसे ट्राई किया, मैंने इस जेल को लगाकर अपने बालों को स्ट्रेट किया और मैं बाहर गई तो मेरे बाल इतने ज्यादा शाइन कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई पॉलीथीन की लेयर हो। आप जब इसे खुद इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि इट्स रियली सो अमेजिंग हाउ दिस जेल वर्क्स। तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले थोड़ा सा ये जेल लेती हूँ और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने बालों में लगा कर दिखाती हूँ। ये लिटरली आपको अपने बालों में अप्लाई करना है इस तरीके से।
और आप देख सकते हैं सिर्फ लगाने मत से ही मेरे बालों में कितनी शाइन है। अब मैं यहाँ अपने पैडल ब्रश को लूंगी और मैंने अपने हीट टूल को लिया और अपने बालों में जस्ट इस तरीके से अप्लाई करूंगी। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मेरे बालों में कितनी शाइन है। और जब आप इस जेल को लगाकर अपने बालों को स्ट्रेट करते हैं तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आपके बाल ज्यादा देर तक स्ट्रेट रहते हैं और उनमें चमक, गजब की चमक होती है। तो आप जरूर इस जेल को अप्लाई कीजिए और आप खुद ही अमेज हो जाएंगे इसके रिजल्ट से। आपके बालों को बहुत ही सॉफ्ट बनाता है, बहुत ही स्मूथ बनाता है और सबसे बड़ी बात कि ऑल नेचुरल है, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती है क्योंकि अलसी यानी फ्लैक्सीड ओमेगा 3 एसिड्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ में आपकी मदद करती है। तो आप इस जेल को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा और आप खुद ब खुद इस जेल को हमेशा यूज करेंगे, इतना इफेक्टिव जेल है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते।